नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिकल जानकारी में। दोस्तों, आज के समय में कब्ज की समस्या एक आम रोग हो गया है, क्योंकि आजकल के चाल चलन के या लाइफ स्टाइल की वजह से हम जो है खाना जो होता है बहुत ही ख़राब खाते हैं, जैसे कि बाहर का खाना हो गया या फिर फास्ट फूड ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें पेट में काफ़ी ज़्यादा कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आज इस वीडियो में आपके लिए एक हर्बल मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपसे उसका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। दोस्तों, ये है मेरे पास हिमालय की हर्बल एक्स, जो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसकी MRP है 110 रुपये की। इसमें दोस्तों सारे के सारे इंग्रेडिएंट इसमें आयुर्वेदिक वगैरह डाल रखे हैं, जिसमें होता है जैसे हरीतकी, त्रिवतु, कासनी, कासमर्द, यष्टिमधु, सुंठी और विडाजा जैसे इसमें इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ये दोस्तों एक आयुर्वेदिक दवाई है, जिसे आप बिना डॉक्टर के परचेज से कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन जैसे एसिडिटी वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। उपयोग की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, कॉन्स्टिपेशन के लिए यानी कब्ज के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। स्पेशली ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए होता है, जैसे किसी का पुराना कॉन्स्टिपेशन है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको। कॉन्स्टिपेशन के लक्षण जैसे कि देखे गए हैं, पेट साफ नहीं होता, पेट फूलना, दर्द वगैरह, या फिर मल त्याग करने में बहुत ही हार्ड आना, और टेस्ट वगैरह ख़राब हो जाना, जीभ का भूख नहीं लगना, मितली उल्टी आती है, खट्टे डकार वगैरह, या फिर सीने में जलन जैसी होने शुरू हो जाती है, और कभी कभी तो दोस्तों हार्ट वगैरह में घबराहट वगैरह भी शुरू होनी शुरू हो जाती है, पेट दर्द आदि, और मल त्याग करने का बार बार मन करना, एक बार में पेट सही से साफ नहीं होना, ये कब्ज के एक लक्षण हो सकते हैं। और कब्ज के जो कारण होते हैं, जैसे कि आहार में फाइबर वगैरह हम सही से खाना नहीं लेते हैं, कई दवाइयों का सेवन करते हैं, या फिर खाने का टाइम एक सही शेड्यूल नहीं होना, कभी भी कुछ भी टाइम खा रहे हैं, 3 से 4 5 है, जो जो टाइम मिल रहा है आप वहीं पे उस टाइम में खा रहे हैं, डेयरी फूड का ज़्यादा सेवन करना यानी दूध जैसे फूड का ज़्यादा यूज़ करना, और डिजीज़ के कारण भी हो सकता है, जैसे कई और दवाइयों की वजह से या फिर बीमारी है आपको, तो उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपको देखने को मिल सकती है। डेयरी फूड का दोस्तों ये है कि दूध वगैरह अगर लेंगे आप तो बहुत ही ख़राब होता है, जैसे सुबह की खाली पेट कभी भी आपको दूध की चाय नहीं लेनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। अगर लेते हैं तो नाश्ते के साथ ही चाय का सेवन कर लीजिएगा, और सुबह खाली पेट हमेशा आपको गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। अंदर की तरफ को इस तरीके से इसमें टैबलेट होती है, ग्रीन कलर की टैबलेट आती है, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है, और बहुत अच्छे इसके रेट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हर्बल मेडिसिन से आपको ज़्यादा नुकसान वगैरह नहीं होते हैं या फिर कुछ भी नहीं होते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक हिमालय का हर्बल मेडिसिन होता है। डोज की बात करते हैं, तो आप 2 से 3 टैबलेट इसको सुबह ले सकते हैं, खाली पेट लेना है खाना खाने से 1 या 1.5 घंटा पहले, याद रखिएगा 1 या 1.5 घंटा पहले लेना है, बाद में नहीं लेना है। और बाकी आप एक बार अगर फार्मासिस्ट से जानकारी जरूर लीजिए, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चनिंग वगैरह करके आपको पूरी जानकारी के साथ इन दवाइयों का सेवन करना बता देंगे, कैसे आपने उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये था तो कोई हर्बल एक्स टैबलेट के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। उम्मीद है आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ रह गया तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा, या फिर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलता है नए वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।